Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ओ चला मेरा पुत्र आजा, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे, शाबाश। तेरे को तो पता है कि तंगी बहुत चल रही है, ऊपर से रोजा खुशाई में भी कितना खर्चा हो गया। हाँ, मगर मैंने तो वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया था। लेकिन यार मैं कैसे मिलेगा फोन, मुझे मोबाइल फोन चाहिए ना। घर में ना? घर में? हाँ। आप ये गिफ्ट ले ले और हमें फोन दे दे। नहीं, मुझे तुम लोग 100 रुपए का लोड करवाओगे उसके बाद ही तुम लोग को मोबाइल मिलेगा। करवा दूँगी। यस, हम लोग करवा लेंगे और फिर मैसेज कर देंगे। हेलो, और कैसा है? और मुनीर तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, इजी लोड कर। नंबर बता। पागल पागल हो जाएगा, इधर से मोबाइल ले ले। आपको नंबर याद है? यस। सो क्लेवर, कितना अच्छा है ना। कितने का? 100 रुपए का। सेंट सेंट वो भी, इसको 100 रुपए दो। 100 रेड वाला नोट है मेरे पास। कितने दूं? 100 रुपए ये दे दूं? हाँ। रेड वाला। ओके, थैंक यू अंकल, थैंक यू। आप कितने क्लेवर हो, कितने क्लेवर हो। सब ले लिया। मिस्टर चौधरी, आप अंदर भी मुझे पंखा चल रहे थे और फिर यहाँ बाहर लॉन में लाके भी पंखा ही चल रहे हैं। अरे मुन्ना जी, आपको पता है मैं आपको पंखा क्यों चलता हूँ? हाँ हाँ, क्योंकि अंदर गर्मी थी। अरे नहीं, गलत जवाब। मैं आपको पंखा इसलिए चलता हूँ कि जब आपके बाल उड़ते हैं ना और मैं पंखा भी हिलाता हूँ तो वो घूम घूम के आपके मुँह पे गिरते हैं, तो बस मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं उस वक्त। काश कि मैं भी आपके लिए ऐसे ही कुछ कह सकती। मिस्टर चौधरी, मखौली है आप। आपकी हंसी भी बहुत मखौली है। अब्बा जी, आप भी मुझे अगर इस तरह पंखा चलते तो मेरे बाल भी ऐसी हवाओं में लहराते फिरें। आइए बैठिए और पंखे की और बाहर की हवा लीजिए। वैसे अब्बा जी, आप अपने बालों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, बालों के लिए एक बड़ा अच्छा तेल भी आता है। आप अपने बालों पे लगाएंगे ना तो तेल बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो पंखा चलो। मैं तो पंखा चल रही हूँ, लेकिन मुझे जिस फिट नजर आ रहा है ना वो मुझे पता नहीं हो रहा है और मैं ये सब छोड़े भी नहीं दूंगी। मैं देखती हूँ कि आप दोनों कैसे अकेले बैठे बातें कर सकते हैं। देखा मेरा कमाल, परफेक्ट। रोज दर्जनों लोगों की इफ्तारी कैसे पूरी करूं? पकौड़े नहीं बनते तो अब्बा जी नाराज हो जाते हैं, फूट चाटना हो तो नजीर इफ्तारी ही नहीं करता। नशीर को लींबू पानी चाहिए, गुफी को रोल चाहिए, किसी को दही बड़े चाहिए। कमाने वाला सिर्फ एक मेरा खावन ही है, वो भी बेचारा क्या करे। या अल्लाह मेरी मदद कर दे। मैं रोजों में तुझसे शिकवा नहीं करना चाहती पर फिर भी तू मेरी मदद कर दे। खुदा, इतनी गर्मी हो रही है, लाइट भी कब से गई हुई है। चलो आजा आजा बुबू, आजा एक मदद, आजा आजा। हेलो बबली आंटी, बताओ ना। डन, इजी लोड डन। हाँ डन, 100 रुपीज़ लोड करा दिया। हाँ मैसेज आया है। हाँ रेड वाला नोट का ना इजी लोड हो गया, आ गया। यस, दे दो।
यस अब मैसेज कर देंगे उन लोगों को। देखो चक्कर है। हाँ ये तो ऑफ है। ये तो ऑफ हो गया। ऑफ है? हाँ देखो देखो प्लीज। ओ हाँ सुबह से लाइट नहीं है ना इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है। अब क्या करेंगे? आपने पहले क्यों नहीं चार्जिंग कर ली इसकी? सुबह से लाइट नहीं है इस वजह से नहीं की। तो अब हम क्या करें? मेरा रेड वाला नोट भी वेस्ट हो गया। अब कोई आइडिया भी नहीं। आ गया। वो ना बैड बॉय। हाँ इनका वाला। हाँ उसके पास भी तो फोन है। आप इनको बोलो कि ना बैड बॉय से रिक्वेस्ट कर लें अम्मी दे दे वो फोन। अच्छा आप बोलो। मैं तो बड़ा पागल हूँ। आप बोलो। अभी मैंने बोला था। चलो आप बोलो। मैं कैसे बोलूँगा? आप बोलो ना। ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई करो। अब बोलो। आप बोलो। तू बोल। अब बोल। तू बोल। मैं जाऊँ। तू बोल। ओके बोल। हेलो वो बैड बॉय है ना? सलमान। यस उनके पास भी तो फोन है और आप जो बोलती है वो फॉरन करते हैं ना। हाँ वो तो आपकी बात माननी है। हाँ बात मान। तो तब उसको बोल मैं फोन दे दे प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं पागल हो गए। नहीं देगा। प्रॉमिस नहीं करी। मैं ट्राई करती हूँ। ओके ट्राई डन। ओके डन डन। ओके यस ट्राई ट्राई। ओके बैठ जाइए। यस अब क्या लाइट कब आती है? मुझे खुद नहीं पता। वेरी शॉर्टी मेरे को तो हवा नहीं मिल रही है। ये ऐसे देखो आगे रखने में वो गर्मी लग रही है। गर्मी रिश्ता तोड़ने की बात मत करना प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मुझे छोड़ना मत प्लीज। हाँ रिश्ता मत तोड़ना। नहीं नहीं मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी। मुझे ना तुमसे बुबू के बारे में बात करनी थी। बुबू? हाँ यहाँ दो तीन चीजें कम हैं। दही बड़े नहीं है और शामी कबाब नहीं है और फ्रूट चाट नहीं है और शामी कबाब भी सिल वाले। हाँ यस वाली कबाब होती ना बेस्ट होती है। जाने जाना बुढ़े सलू दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी हमारी जिंदगी ये कसम मैंने ली प्यार में अब तुम्हें मेरी जान मुझे बताना दरदं। दं 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 दं। सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। सल्लू मुझे एक और सॉन्ग सुनाओ ना। लवमी 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 मामा सेज यू लव मी पापा सेज यू लव मी आई लव यू बेबी लव मी। सल्लू इंग्लिश सॉन्ग तुम कितने अच्छे हो। सलमान हाँ मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। देखो तुम रिश्ता तोड़ने की बात मत करना प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मुझे छोड़ना मत प्लीज। हाँ रिश्ता मत तोड़ना। नहीं नहीं मुझे तुमसे कुछ और बात करनी थी। मुझे ना तुमसे बुबू के बारे में बात करनी थी। बुबू? हाँ तुझे पता तो हमारी मंजिल का कांटा बनेगा हमारे रस्ते की रुकावट बनेगा। अरे माना मैं तो खूबसूरत नहीं अंदर से तो स्लिम नहीं बुबू की तरह एक्टिंग नहीं कर सकता लेकिन मैं सल्लू भाई को फॉलो करता हूँ उसको लाखों लोग फॉलो करते हैं। बस उनमें मुझे फर्क ये है कि उन्हें शादी नहीं की और मुझे तुमसे शादी करनी है। देखो प्लीज तुम मुझे छोड़ना मत और मुझसे रिश्ता मत तोड़ना। क्या क्या बके जा रहे हो कोई रिश्ता खत्म भी करेंगे तुमसे। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। मोबाइल चाहिए? जी तुम्हें पिछला हफ्ते दिलाया था मैंने मोबाइल उसकी चार्जिंग खत्म हो गई ना। इतनी जल्दी कैसे चार्जिंग खत्म हो गई? तुम मुझे मोबाइल दे रहे हो? ये लो थैंक यू। पता है मुझे बुबू के लिए चाहिए तो इतना पर मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दे रहा। सलमान बुबू के लिए मोबाइल चाहिए। बुबू चाहिए बुबू के लिए मोबाइल। मैं नहीं दे रहा तुम्हें मोबाइल। सलमान
सलमान मुझे मोबाइल सलमान प्लीज दे दो ना। नहीं दूंगा बुबू, क्या चाहिए बुबू, क्या चाहिए। सलमान तुम मुझे तंग मत करो, मुझे मोबाइल दे, मैं तुम्हें थोड़ी देर में दे दूंगी ना वापस। मैं भी नहीं दे रहा प्लीज ना सलमान, मोबाइल चाहिए सलमान, दे दो ना थोड़ी देर के लिए, ऐसा करोगे तुम मेरे साथ। चलो प्लीज ना, प्लीज ना दे दो, चलो दे दो। मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाल बना दिया है, चली गई, बुबू के लिए मोबाइल चाहिए, मैं क्या करूं। गलत है। ओ बिजली वाले हो ताड़ा बेड़ा करे, कोई बिल पूरा लेंदे हो, काम आपदार करदे हो, ओ तानू क्यों नहीं शर्म आंदी ओए। ओए मैं डबल होना साधा रह गया बिजली ना होने की वजह नाल, अल्लाह माफी। ओए आसलमा, ओ की गल है, मुंह क्यों लटकाया है। वो अब्बा जी आपको घर के हालात का पता है ना। आप पता है, बोल फिर। आजकल ना कुछ ज्यादा ही तंग हो गए। अच्छा क्यों, क्या हुआ। बुबू और बीबी को ना रख के मैंने एक नेकी की है, मगर आजकल जो है ना जितनी तंगी आ रही है ना, मुझे लगता है ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक आजमाइश है। ये तो है, अल्लाह माफी दे। अच्छा ते फिर क्या कहना चाहती है तू। अब्बा जी मुझे ना आपसे एक बात करनी है। कर पुत्र, जरूर कर। वो अब्बा जी वो आप अगर अपना प्राइस बॉन्ड बेच दें तो। देख सलमा, प्राइस बॉन्ड दी बिल्कुल बात ना करियो। मैंने प्राइस बॉन्ड दिए किसके लिए, तुम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कल को काम आएंगे। प्राइस बॉन्ड बेच दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा। पर अब्बा जी हालात भी तो देखे ना आप। बस बस मैंने कह दिया, मैं प्राइस बॉन्ड के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता, ना मैं बेचूंगा। ले प्राइस बॉन्ड बेच दूं ते आप छिड़कना। नहीं ये नहीं हो सकता सलमा, जा यार। अच्छा अब्बा जी जैसे आप। एक गर्मी खुद तो ऐसा खर्चे हाथ हो गई, प्राइस बॉन्ड बेच दो अब्बा जी, तो सारा मूड खराब करता। आगे 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 फोन 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 आई 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 सलमान ना नहीं माना। ओ नो, नहीं माने फिर से, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने उसे बहुत मनाया लेकिन तने क्यों नहीं माना। बैड बॉय, बैड बॉय, यस बैड बॉय, वेरी 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 बैड बॉय। अब क्या करें छोटू। तो सोनिया हाँ 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 वे मन मोड़िया, मैं तेरी हो गई प्यार में चिको। क्या हो गया, क्यों तुम नीचे क्यों बैठे हुए। चुप चुप तो हो जाओ, लेकिन तुम लोग ऐसे नीचे क्यों बैठे हुए हो, और तुम क्यों ऐसे खनखन। साइलेंट साइलेंट साइलेंट, अब मैं बताऊंगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ हाँ बताओ बताओ क्या हुआ। साइलेंट, नो नो साइलेंट, मेरा नेट वाला नोट जो आपने दिया था ना नीचे, जब मैंने रोजा रखा था, 400 200 100 500, साइलेंट साइलेंट वो सब वेस्ट करवा दिया, इजी लोड करवा लिया। हाँ यस इजी लोड करवा लिया। फिर वो बोल रही है चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग नहीं है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जाओ जाओ, वो बोल रही है। यस और फिर हाँ यस, और फिर हम लोगों ने बोला सलमान अंकल को बोले दे दें प्लीज बैड बॉय, वो भी नहीं दे रहे। फोन चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, ऐसा वाला। तो मुझे बताओ ना, तुम्हारे बच्चों का हल मेरे पास है, यानी गोपी के पास है, तुम्हारे सारे मजे हल कर देगी, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। क्या हुआ खन खजूरा छोड़ने के लिए चुप नहीं रह सकता। मैं तुझे दे रही हूँ ना, मैं तुझे मोबाइल दे रही हूँ, मैं लाती हूँ, रुको। मैं ले आई, मैं भी
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਓਕੇ ਯੇ ਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਯੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਚਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੂੰਗੀ ਔਰ ਸਭ ਬਾਤੇ ਕਰੂੰਗੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਸੇ ਵੀ ਲਵ ਬਾਤੇ ਕਰੂੰਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹਾਏ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ मैं तो उनसे सही करवा लूंगा हे पता नहीं तुम शाहरुख को जान दो शाहरुख को साइलेंट लेकिन पैसे मैं नहीं दूंगा हां हां पैसे आ दो ये मेरे पैसे ना वो तुम तू देगा पैसे पैसे से आगे मैं तो सारे पैसे आप उनसे बात करने ओके यस यस और तुम बताओ वो क्या ये तो खराब भी है ना और आपने बोला था आपकी बहुत फ्रेंड्स हैं वहाँ पे मार्केट में हाँ वो सारे मेरे दोस्त मार्केट के अंदर तो वो लोग फ्री में कर देंगे ना तो फिर सही मेरे अब्बा की दुकान है नून लेकिन तो अच्छा फिर पैसे लगेंगे हाँ तो पैसे तो नहीं है ना हमारे पास तो तेरी रोलो कुशाई हुई थी है? वाले पैसे कहाँ नो नो वो नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा वो रेड वाला नोट भी वेस्ट हो गया था आई नो नो मैं नहीं दूंगा दो मोबाइल से नहीं करवा रहा फिर मैं तो नो नो वो तो करवा दो ना प्लीज हाँ तो फिर पैसे दे ओके दे दूंगा नो 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 आप बहुत क्लेवर हो ना हाँ मैं भी क्लेवर हो गया हूँ वेरी इंटेलिजेंट बॉय हाँ आपके पास भी तो पैसे हैं आप भी लाओ अपने हाँ मेरे वाले भी यूज करेंगे और आपके वाले भी टुगेदर यस जाओ जाओ आपके पैसे भी आएंगे अब दोनों जाओ जाओ लाओ पैसे लाओ अपने हाँ सब मेरे पैसे ले लेते हैं थोड़े वाले पैसे ना और रेड वाला नोट तो मेरे फेवरेट मेरे पास तो खाली है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कहाँ गए पैसे पता नहीं दिखाओ दिखाओ तो उसमें भी पैसे नहीं है तो आप दो ना मेरे पास दिखाओ मैं कितने बस ये टोटल पैसे मेरे पास दिखाओ तो 1 200 200 300 400 400 500 डालो 500 में 500 मिलाओ 1000 रुपए 1000 यस ये वाले हेलो वो इजी लोन हमने कराया था ना जी जी अंदर देख यार इसमें क्या खराबी आई है मोबाइल में हां ये वाला फ्रेंड किसका है मेरा यार बैटरी जल गई है बैटरी जल गई यार सही कर दे यार बैटरी सही नहीं होती नहीं आती है आपके पास नई वाली नहीं है रशीद भाई की दुकान है आगे उधर जाके मेरा नाम ले देना रशीद भाई के पास जी वाह आपके कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं सब थैंक यू अब्बा जी फिर गली च मंजी छड़ गए ने अगर कोई मंजी चुक के ले गया ना तो किसी ने लिया के भी नहीं देनी है आए रुकैया कैसी हो आए मैं तो ठीक हूँ तुम सुनाओ कैसी हो बड़े दिन हो गए थे भाई तुमसे मिले ओए ठंड पाल कैसी है किंदे हो आई हाँ यार बड़े दिन हो गए तुझसे मिले मैंने सोचा आज तेरे साथ ही अफतारी करते जी आया नू तारी चल ना देर हो रही है आ जा अच्छा पहले अफतारी करते हैं फिर बैठ के बातें करेंगे बहुत सारी बातें करनी है मैंने तुझसे बस तो मैं थक गया हूँ
मेरा रोजा भी है। अब ले बैटरी ले ली, अब बोले सिम नहीं है, सिम चाहिए। मेरा रोजा है, मुझे प्यास लग रही है। मैं फेंक रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पागल ही हो, नहीं फेंको। अंदर के बाद चलते हैं, अंदर कोई रास्ता बताएगा। मत फेंको। इजी रोड वाले अंकल। हाँ, कोई रास्ता ढूंढ दो, मैं तुम्हारी नहीं। हाँ प्लीज प्लीज, आप उनको बोलो ना, वो सिम ला देंगे। आपको तो सब जानते ना यहाँ पे, है ना? परेशान मत हो, मैं आपके लिए कुछ रास्ता निकाल दूँ। रास्ता आप जो बोलते हो लोग करते हैं ना, आप प्लीज उनको बोल दो सिम चाहिए। तो अंकल ये देखें। अंकल यार एक काम पड़ गया तेरे। क्या काम पड़ गया? आप सिम निकाल दे यार। पागल वागल हो गया क्या तेरा? शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना हुआ, सिम कहाँ से दूंगा? अंकल डाल दे यार नई सिम। हाँ प्लीज प्लीज अंकल, सिम चाहिए। वो ना बैटरी हमने ले ली है और सिम नहीं है। अपने अब्बा को ला दूंगा, भाई को ला दूंगा, डाल दे यार। अगर प्लीज 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 प्लीज, मैं बात कर रहा हूं, चुप हो, डाल देना यार। चल कुछ करता हूं, मगर 300 रुपए लगेंगे। ओके वेट वेट वेट, 200 दे दो, 200। हां 200 दो। वाओ कितने अच्छे अंकल है। ये कैसे दूं? क्या दूं? लाल वाले नोट दो दो। और एक है और ले लो। ये ले लूं? हाँ ले, अंदर 200 रुपए। चलो ठीक है। सिम निकाल के देना भी। सिम देता हूँ। You're the best Chaudhary Bari, best। आप कितने क्लेवर हो, सब लोग जानते हैं आपको, सब लोग जानते हैं ना। अब मैं दुआ कराऊं? ओ नहीं भाई नहीं, तू दुआ नहीं करा। तेरी दुआ भी कबूल नहीं। क्यों भाई क्यों? करो करो। ओके नहीं 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 नहीं, हम लोग ना अल्लाह मियां के पास चले जाएंगे। हां आमीन आमीन, चले जाएंगे। नहीं 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 भाई, सलमा अफतारी तो बहुत ही मजे की है। मैं सोच रही हूं ना, अब रोजाना अफतारी यहीं करूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर अफतारी करनी है तो अपनी फूफी क्या चली जाए, चाची क्या चली जाए, नानी क्या चली जाए, अपनी अम्मी क्या चली जाए, कहीं भी चली जाए, लेकिन हम रोज रोज ये सब कुछ बना के आपको नहीं खिला सकते। ऐसा तो नहीं। फूफी पुत्र बह जा। फूफी यहाँ 2-3 चीजें कम है, दही बड़े नहीं है और शामी कबाब नहीं है और फ्रूट चाट नहीं है और शामी कबाब भी सिल वाले। हाँ ये वाली कबाब होती ना बेस्ट होती है। सलमान बेटा लो ना रोल ले लो। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, ये तो बर्गर खाता है फैट बॉय। सलमा बेटा डालो ना कुछ, हमारी प्लेट क्यों खाली है? हाँ बजी आप ले, मैंने लिया हुआ है। हाँ जी अब्बा जी पकड़ो। मैं तो पहले ही कह रहा था ये बुबू के घर आते हैं, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। दादा जी आपने बुलाया? हाँ बेटा। दादा जी प्लीज अब मुझसे दवाइयाँ ना मंगवाएगा। नहीं बेटा दवाइयाँ नहीं मंगानी, बल्कि मैं तो तुझसे कह रहा हूँ ये दवाइयाँ जो है ना सारी बेचा बेटा, इसमें भी है। हैं? क्या मतलब? बेटा मुझे जरूरत है इसे बेचा, और इसके पैसे जो है वो मुझे अकेले में मुझे देना। दादाजी बिल्कुल ना बेचिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक दफा करिए लग गया ना प्राइस बॉन्ड तो सब बदल जाएगा, आप अपने पास रखिए। अबे मैं कह रहा हूँ तो बेचा ना, अब इसके पैसे मुझे ला के देना। दादाजी देखिए अगर मैं उसको बेचने गया ना बाहर, बहुत गर्मी है, कम से कम 2 घंटे लगेंगे मुझे, और ये नंबर जो मैंने आपके लिए लिए थे ना ये बहुत छाट के लिए थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ या आप अपने पास रखिए, अब मैं जब मैं बाहर जाऊंगा बिल्कुल बेच दूंगा, अभी आप अपने पास रखिए।
मैं कह रहा हूँ इनको लेकर जा और बेच के मुझे पैसे दे अकेले में, सुन लिया? चलें जैसा आप बोलें दादाजी, अब मैं आपको मना तो कभी कर नहीं सकता, मैं देखता हूँ अगर ये बिक गए तो ठीक है मैं बेच दूंगा वरना मैं आपको वापसी ला के दे दूंगा। ठीक है ठीक है कि क्या मतलब, बॉन्ड हमेशा कैश होता है उल्लू? दादाजी जाना नहीं होता ना, आप गर्मी भी तो देखें कितनी है। अरे किसी दुकानदार को दे दो यार, वो तुम्हें दे देगा। चले ठीक है, बॉन्ड और पैसों में कोई फर्क नहीं। चले ठीक है ये मैं भेज देता हूँ, आप रखें। मैं रखूं? क्यों? भेज दूंगा ना, आप रखे ना अभी। सोचे प्राइस बॉन्ड अगर लग गया, आप अमीर हो गए तो क्या बात, सुकून। अबे इसको बेच के आप, चल चल निकल यहाँ से, चल। कैसा मनहूस लड़का ये, क्या करूं मैं, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। ए अल्लाह तू सब जानता है, मदद कर अल्लाह मदद कर। क्या करूं? ओके ये ऑन हो गया, अब क्या करें? अपना नाम लिखना और एड्रेस, फिर उनको सेंड करना है। ओके सेंड करेंगे, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक ड्रॉ हो जाएगा, फिर हमारे को बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। वाओ करते हैं। ओके अच्छा अभी क्या करूं मैं? इधर दो मैं लिखूंगा ना। ओके आप लिख लो। हेलो नो एड्रेस भी तो लिखो ना। हाँ लिख दिया। ओनली नाम बुबू। यस ओके सेंड टू। ओके अब सेंड कर रहा हूँ। अलमिया प्राइज मिल जाए। आमीन। वन टू थ्री सेंट। लाइट भी आ गई। लाइट आ गई ना, सेंड हो गया। अब जामिया प्लीज कर दे, प्लीज 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 प्लीज। ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो एक मेरी बात सुन लो, ये बताना नहीं, ये मोबाइल अब छुपा के रखना, मैंने किसी को दिख दिया ना ये छीन लेंगे। हाँ छुपा लो इसको। मोबाइल कहाँ है? फोन पता नहीं। मदर जी मेरी बात सुने, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आपने कहा था कि वो अवतार वाले दिन मुझे वो रिश्ते वाले आएंगे, मुझे दूल्हा देखने आएगा, तो बोला क्यों नहीं आए जबकि भाभी जी ने कितनी सारी चीजें बनाई थी, चने की चाट बनाई थी और दही भल्ले बनाए थे, फ्रूट चाट बनाई थी, पकौड़े बनाए थे, समोसे बनाए थे, चिकन के रोल बनाए थे, कितनी सारी चीजें बनाई थी, लेकिन वो लोग उस दिन क्यों नहीं आए बताने बताने बताने। आ रहे हैं रास्ते में। ओ गोफी पुत्र रुक जा। क्या भाभी जी सुना, फायदा ना आपने सुना, तुम सबने सुना, बूबू तुमने सुना, रिश्ते वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। वाह कितना मजा आएगा ना, मुझे देखेंगे। मैं क्या करूं क्या पहनूं मैं? अब्बू को मुझे तुम बताओ मैं क्या पहनूं, कहां से पहनूं, ब्लू वाला ये येलो वाला बताओ ना। वो आपके पास येलो वाला ड्रेस है? येलो वाला नहीं है, हाँ ब्लू वाला है, ब्लू पहन लो। वो नहीं चाहिए ना, वो नहीं चाहिए, नो नो नहीं चाहिए, येलो वाला चाहिए। कितनी प्यारी लगी ना, मैं स्वीट लगूंगी ना, अच्छी लगूंगी ना, परफेक्ट। सब लोग बोला ना भाई सुनिए, मेरा भाई आ रहा है अमेरिका से पूरे 10 साल बाद, I'm so happy। बेटा तुम्हारे मामू आ रहे हैं। मामू आ रहे हैं? आप तो ऐसे आई थी जैसे आप मुझे ये बताने वाले हो कि तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, लड़का आ रहा है, उसके बहन भाई आ रहे हैं, उसके माँ बाप आ रहे हैं। अरे कोई तो रोक लो इन्हें। क्या मतलब है कि रोक लेना, मैं नहीं सुनूंगी कुछ भी नहीं सुनूंगी, मैं तो ये सोच रही थी कि दूल्हा आएगा और मेरे लिए सारी बहुत सारी गोफी आपकी भी शादी हो जाएगी। सलमा जी बस देखिए आपके पास 10 दिन है और मेरा भाई 10 साल बाद आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उसके बगैर शादी कर दूं, तो बस आप तैयारी कर ले जल्दी से। ओके 10 दिन। यस 10 दिन 10 दिन 10 दिन से 10 दिन से याद आया, तो फिर क्या मेरी भी तैयारी होगी, दूल्हे वाले आएंगे मुझे भी देखेंगे, मेरे लिए भी इसी तरह सामान खरीद लेकर आएंगे, चीजें लेकर आएंगे और कपड़े लेकर आएंगे, हील वाली जूती लेकर आएंगे, बड़े बड़े डिजाइनर की ड्रेसेस, चूड़ी चूड़ियां। वैसे ना मेरी शादी के जेवर का सेट पड़ा हुआ है और साथ दो चूड़ियां भी है सोने की, अगर वो बेच देते हैं तो फिर बबली को जेवर क्या देंगे?
और मैंने दफ्तर में बात कर रखी है, 1 लाख मुझे मिल जाएगा प्रोविडेंट फंड का। लेकिन भाईजान मैं तो ये समझ नहीं आ रही है कि इन पैसे हम बरातियों का खाना कैसे करेंगे, फिर नाश्ता भी है, मेहमान आएंगे खाने। मैंने पूरा अखबार छान मारा है, कहीं नहीं मेरे प्राइस बोर्ड का नंबर नहीं है। दादाजी ऐसा भी तो हो सकता है हमारा लक्की सेवन ईद प्राइस निकला। हमारे नसीब इतने अच्छे नहीं है कि कोई हमारा गिफ्ट या प्राइज निकले। मुबारक हो दादाजी, मुबारक हो, आप सबको भी मुबारक हो। अरे किस बात की, ये किस बात की मुबारकबादें दे राज? तुम क्या काउंसलर बन गए हो? आपको नहीं पता आपका प्राइस बॉन्ड निकला है 1.5 लाख रुपए का। अरे मैंने पूरा अखबार छान मारा, कहीं भी हमारा नंबर नहीं लगा। दादाजी निकला है, निकला है, निकला है, ये वही प्राइस बॉन्ड है जिससे आपने सलमान के हाथों बिकवा दिया था। क्या? हाँ जी। मैं तो पहले ही कह रहा था ये बुबू के करामात है, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। अब्बा जी आपको अगर पैसे मिले ना तो प्लीज आप मुझे दे दीजिएगा, मैंने ना सच में जाने का जोड़ा खरीदा है। ओ तू तो बातें कम कर, ओ तू क्या खड़ा देख रहा है, वो जाके एम्बुलेंस लेकर आ, अब इन्हें अस्पताल लेके जाना है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं? वो टेंशन नहीं ले, दादाजी ठीक हैं। लेकिन उनको क्या हुआ था वहाँ पे? एक मसला हो तो फिर बंदा बताए ना, नसीर भाई है ना उनकी जॉब नहीं लग रही। नहीं है जॉब उनकी? नहीं, जिस गरीब घर में बेटियों की शादी होती है ना वहीं यही होता है, यही प्रॉब्लम होती है। हाँ। अब बबली आप की भी शादी है। हाँ उनकी वेडिंग है। अब वहीं पर भी यही होगा, वो लोग बहुत परेशान है। हाँ। तो फिर परेशान होते तो फेंट हो जाते हैं क्या? वो घर बिक जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आया, वो शादी मुश्किल होती है, हार्ड होती है। हाँ। वेरी डिफिकल्ट। गाड़ी भी चाहिए होती है, फर्नीचर चाहिए होता है, टीवी चाहिए होता है, मेकअप चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, सैंडल चाहिए होती हैं। इतने सारे गिफ्ट तो वो तो सब बहुत एक्सपेंसिव होंगे ना, बहुत महंगे। बहुत महंगे होते हैं। ओह नो। तो तेरी बीबी की शादी होगी ना? हाँ हाँ। तेरे को भी सब कुछ करना पड़ेगा ये। वो मुझे इतने पैसे $12,000 जमा किए थे, 5,000 रह गए। भाभी जी अब्बा जी ने भी तो 15,000 दिए थे, उसमें से 8,000 बचे। और मैं तो कह रहा हूँ सलमा तू दस्तरखान अगले साल कर ले। लो जी 3 साल हो गए मुझे ये बात सोचते हुए। भाभी जी मैंने याद आया तो सलमान की भी तो ईदी जानी है, 5,000 रुपए तो सिर्फ उसका जोड़ा ही जाना है, और फिर कैश भी तो जाएगा, जोड़ा तो खैर उसका टेंट जाएगा। और टेंट हो गया क्या पेंट, वो लेना तो है, वो आखिर वो दमाद है हमारे घर का, और फिर अगले साल तो शादी हो ही जानी है, और परचून दौले का हिसाब तो मैं चुका देता है। दमाद है लगता है हम पर अजाब है। परफेक्ट। पर पैसे तो फिर भी कम है ना, बच्चों को बोलूंगी कि ईद के ना पुराने ही कपड़े पहन ले, क्योंकि अभी तो सलमान की शादी का भी जोड़ा बाकी है, और बबली की कितनी सारी चीजें हैं जेस की जो अभी हमने ली ही नहीं है, एक मसला थोड़ी है यहाँ पर। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है सलमा, वो अल्लाह बहुत बड़ा है, वो अल्लाह मदद करेगा। पापी जी मैं आती हूँ। क्या चल दी।
मतलब तोड़े गिणन नाल वध जाणगे। वेरी हॉट। कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं आता। यस वेरी हॉट वाटर। कुछ नहीं आता मुझे। पिंक पैंथर। यस बड़ा हो गया, मुझे नहीं आता कुछ। बीबी के लिए मिल्क बनाएंगे ना, लेकिन पिंक पैंथर मैं क्या करूँ आप बताओ ना। वेरी डिफिकल्ट जॉब। टू थ्री डालना ना, थ्री। यस थ्री। ओके डन आता है मुझे। यस yes, बड़ा हो गया हूँ ना मैं, बड़ा हो गया हूँ। यस वेरी बिग बॉय। आप कोई आइडिया दे दो। हाँ नो नो, आपको तो कुछ नहीं आता। ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप कोई आइडिया दे दो ना, मैं क्या करूँ। हाँ बाबू हाय। हाँ क्या हुआ, क्या कर रहे हो। मैं मिल्क बना रहा हूँ और मैं बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन? तुम्हें टेंशन हो रही है और तुम दूध बना रहे हो। साइलेंट। ओके आई मीन टेंशन। क्या टेंशन है तुमको, मुझे बताओ। गुफी को बताओ, गुफी सारे बता कर। अब जाओ। ओके नहीं पहले मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर जाऊँ। हाँ यस पे आप बोलना नहीं। हाँ यस वो जो गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स उनकी वेडिंग होती है। वेडिंग यू ऐसे वेडिंग होती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होती है। यस वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। हाँ यस बहुत बहुत सारे गिफ्ट लगते हैं ना उसमें, चाहिए होते हैं गिफ्ट। यस और मनी भी चाहिए होती है, पैसे। यस वेरी डिफिकल्ट। और अब पता नहीं वो जो दादाजी है ना, ऐसे वाले दादाजी, वो जो फेंट हो गए थे वो, और पुलिसमैन है अकरम अंकल, मारते ना। यस और गुरुद्वारी आंटी जो सब काम करती हैं, वो लोग पता नहीं वो कैसे सब अरेंजमेंट्स वो करेंगे। यस वेरी डिफिकल्ट। और अगर मेरे पास होते ना रेड वाले नोट्स बहुत सारे वाले, तो मैं सब दे देता। यस आप लोग तो बहुत अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं आप लोग, वेरी गुड पीपल। हाँ लेकिन नहीं है ना मेरे पास। लेकिन मेरे मामा मामा के पास हैं बहुत सारे। यस वो गिफ्ट दे देते हैं बहुत सारे। हाँ हमने बीबी जी के लिए भी तो लिए थे गिफ्ट बहुत सारे वाले। हाँ सब ले लिए थे गिफ्ट बीबी जी के लिए, वो बड़े वाले ले लिए, लेकिन वो तो छोटी है ना, तो बाद में दे देंगे। हाँ यस बाद में दे। और लेकिन मामा बाबा तो वो ना, मामा बाबा है ना, मुझे बहुत याद आते हैं वो लोग। यस आई मिस देम। यस बहुत याद आते हैं वो लोग। बबू पुत्र तू दूध बना, मैं आती हूँ। ओके लेकिन मैं टेंशन में हूँ। ओके ओके बहुत टेंशन। और ये इतना गर्म है। ओके अभी फौरन नहीं देना। नो 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 मैं आपसे शादी कर लूं। मुझसे? मुझे नौकरी मिल गई दादाजी। बस ये मेरी दुआएं नहीं है, पुप्पू की दुआएं है, उसकी दुआओं से तू नौकर हुआ है। वो गुफी है ना जो बहुत बोलती है, उनके लिए बॉयज आ रहे रिश्ते वाले। बॉय कितने सारे? ओनली वन।